जय माता जी। जय द्वारकाधीश। आप सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? तो यहाँ इंग्लैंड में खेती है, तो कौन सी खेती है यहाँ की? जो वो स्वीट होती है ना, हमारे क्या बोलते हैं उसको, वो ग्रीन वाली स्वीट, आप देख के पता चल जाएगा, सोयाबीन जैसी, तो उसकी खेती है। और उसका पाक कैसा आता है ये देखिए। देखिए ये है इसकी सींग, कितनी बड़ी सींग है। देखो इसके अंदर वो सोयाबीन है ना, ये होता है, ऐसे इतने इतने होते हैं सोयाबीन। देखो सोयाबीन की भी खेती होती है यहाँ, सोयाबीन जैसा लगता है, ऐसी स्वीट है ये, सोयाबीन जैसी। और उस बाजू भी है, इस बाजू भी पूरा खेती है इसमें, गाँव की, राई की। और इसकी नहीं देखी थी, पहली बार देखी इसकी। चलिए, तो ऐसे ही निकला था, काम पे जा रहा था, तो मैं बोला चलो रास्ते में आया तो आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई, यूके में कितना बड़ा मशीन है, ऐसे है कि उस यूके का नजारा। यूके में पानी का डैम कैसा होता है, पूरा यहाँ भरा है। यहाँ भी डैम सिस्टम है, जैसे कि हमारे इंडिया में डैम सिस्टम होती है ना, ऐसी यहाँ भी है। और इस डैम के अंदर लोग अभी स्पोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे, वो अभी इसमें पड़ेंगे और जाएंगे। और इस साइड में डैम है और इस साइड में खेतीबाड़ी है सब, देखो पूरा। तो ये लोगों ने शुरू किया है स्पोर्ट, पूरा मीठा मीठा पानी है, ये मीठा पानी का डैम है। और यहाँ जमीन है सब, देखो पूरा यहाँ गांव लगा हुआ है। और जमीन देखो कैसी होती है यूके में, एकदम फ्लैट, जैसे इंडिया में हमारे होते हैं ऐसे एकदम फ्लैट। यहाँ पार्किंग है गाड़ी का, पूरा गांव अभी पक जाएगा, फिर इसको काटेंगे। गेहूं और मस्टर्ड, राई और बटेटा, ये तीन प्रकार की खेती यूके में ज़्यादातर होती है। इस तरह से आप डैम पे किनारे पे चल के भी पूरा वॉकिंग भी कर सकते हैं। ऐसी है विलेज लाइफ इन यूके। और अभी तो मौसम भी इतना अच्छा है, तो कोई वो नहीं है, ठंडी भी नहीं है इस तरह का। ये लोग अभी निकल पड़े हैं सब। यहाँ बहुत सारे लोग आते हो गए, इसलिए तो ये पूरा सब यहाँ बना हुआ है। अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि गर्मी अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे फुल गर्मी अभी स्टार्ट होगी तो बहुत लोग आएंगे। तो यहाँ खाना पीना लगता है चलेगा, अभी तो सब बंद है क्योंकि ठंडी है, इसलिए ऐसे यहाँ आप जाके वहाँ नहा सकते हैं, यहाँ अंदर नहा भी सकते हैं और खाना खा के एंजॉय कर सकते हैं। इस तरफ है कोई साइरन चालू हो गया है किसी का, पता नहीं, यहाँ सब वो है होड़ी। ये कहाँ, यहाँ कोई अंदर गया है, कोई है नहीं, पता नहीं, साइरन शुरू हो गया है, ऐसी होड़ियाँ हैं सब यहाँ इन प्रकार की। तो ये था आज का यहाँ का डैम इंग्लैंड का। मज़ा आया देखने को, क्योंकि हम तो, हमारे तो बाजू में ही डैम है, तो उधर ही नहाने के लिए नदी में हर दिन जाते थे। देखो कागड़ो है वो डैम है, कागड़ो जो इंग्लैंड में, कागड़ा पण डैम ऊपर आवे छे, आगळ पण बैठा छे घणा बधा, ने अहींया पण बैठो छे, जो झूम करीने बताऊं तमने, एमनो तो एक छे ने कागड़ो। सामने आपको दिखता है पवन सखी है, जो पवन से फिरती है, इसलिए यहाँ पवन ज़्यादा रहता है, तो इसलिए पवन सखी देखो सामने चल रही है। जूम करके आपको बताऊं पवन सखी यूके में कैसी होती है। देखिए हमारा गांव गांव में आवी रीते अत्यार लागी गई छे। चलिए तो आ गया हूँ फिर घर पे मैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अभी आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। आज का ब्लॉग बहुत नहीं बनाए क्योंकि बिजी लाइफ है, सुबह से शाम तक, फिर अभी शाम हो गया, अभी शाम को 7 हो गया है, फिर भी इतना
सन है देखिए, तो ऐसा यहाँ रात को 10 बजे 11 बजे तक सन रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप सभी को मेरा प्रणाम।